वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जहन्नम की आग से बचो वह खजूर के एक टुकड़े ही को सदका खैरात करके बच सको। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 12 to 15 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 12, डेटा हमारे पास गिवन है कि 3x + 1/3x इज इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पे प्लस आता है, ये आपके पास 5 है और हमने फाइंड आउट करना है 27x³ + 1/27x³। ये हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कर लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x + 1/3x³ = 5³। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा a³ + 3ab (a+b+b³). 5³ आपके पास आ जाएगा 125। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 3³ आपके पास आ गया 27x³ + 3 × 3x + 1/3x प्लस, और ये आ जाएगा 27x³ = 125। तो ये आ गया 27x³, इसको भी स्टार्ट में लिख लें 1/27x³ + 3 × 3x + 1/3x की वैल्यू आपके पास है 5। तो ये आपके पास आ गया 125, 27x³ + 1/27x³, 5³ = 15 = 125। 27x³ + 1/27x³ ये आ जाएगा 125 - 15। तो ये आपके पास आ जाएगा 125 में से 15 को निकालेंगे तो ये आपके पास आ गया 110। तो 27x³ + 1/27x³ का जो आंसर है वो आपके पास आ गया है 110। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जान। नंबर 13, तो आपके पास जो डेटा है वो आपके पास है 5x - 1/5x = 6 और हमने फाइंड करना है 125x³ - 1/125x³। इस वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x - 1/5x³³ = 6³। तो फार्मूला आप खोलते हैं, ये आपके पास आ जाएगा a³ - 3ab (a-b-b³) = 6³ करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 216। तो इस क्यूब को इससे काट दें तो 5³ आ जाएगा 125x³ - 3 × 5x - 1/5x - 1/125x³ = 216। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है हम उसको स्टार्ट में लिखते हैं, इस वैल्यू को भी स्टार्ट में लिख लें 1/125x³ - 3 5x - 1/5x आपके पास 6 है = 216। तो ये आपके पास आ जाएगा 125x³ - 1/125x³ = 18 = 216। तो ये आपके पास आ जाएगा 125x³ - 1/125x³ = 216। ये -18 इधर आके +18 हो जाएगा, आप इसको प्लस करें 8 और 6 14, 2 और 1 3, ये आपके पास आ जाएगा 2। 125x³ - 1/125x³ का जो आंसर आया है आपके पास वो आया है 224। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब।
14 पार्ट नंबर 1 अग्राम पैलेस का फार्मूला खोलें। तो ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो इसका फार्मूला अगर खोलें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर। और यहाँ से अगर हम माइनस वन को कामन कर लें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से ये एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई अगर हम कामन कर लें यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हमने कामन कर लिया तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर टू की जानिब। नंबर टू, तो एट आपके पास टू का क्यूब होता है, यह आ जाएगा टू एक्स का होल क्यूब माइनस वन ओवर थ्री वाई का होल क्यूब। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बल्कि ये यही फार्मूला जो हम पहले लिख चुके हैं, यानी कि आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ जाएगा टू एक्स माइनस वन ओवर थ्री वाई, यानी कि आपके पास आ गया ए माइनस बी ए का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ जाएगा टू एक्स माइनस वन ओवर थ्री वाई, इसको खोलेंगे आ जाएगा फोर एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री वाई प्लस वन ओवर थ्री का स्क्वेयर नाइन वाई का स्क्वेयर, और यही आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर वन, यहाँ पे हमने पॉइंट प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज, यानी कि हमने इसको किसी तरीके से क्लोज करना है। तो अगर आप देखें ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, और इस एक्स फोर को अगर मैं यूँ लिख दूँ एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक फार्मूला था ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो ये वाला फार्मूला आपके पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी आपके पास इस चीज का कार से है। तो बस आप यूँ समझ लें कि जैसे ये आपके पास ए है ये आपके पास बी है। तो देखिए आपके पास आ गया ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो ये वाला फार्मूला अगर हम इसको क्लोज करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की जानिब। नंबर टू, अगर हम इसको भी उस त्रिकाकार से बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और अगर हम इसको ऐसे कर लें एक्स क्यूब का स्क्वेयर एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस ये आ जाएगा वाई क्यूब का स्क्वेयर। तो देखें थ्री टू ज़ार सिक्स थ्री टू ज़ार सिक्स। तो ये आपके पास फार्मूला एक फार्मूला यह है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो यह फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यह फार्मूला आपके पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करें थ्री थ्री ज़ार नाइन एक्स नाइन माइनस वाई नाइन, और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। थ्री, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखिएगा तरतीब कैसे बना रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ एक्स माइनस वाई, इसके साथ में इस वैल्यू को लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर, फिर आपके पास आ जाएगा इसको हम इसके साथ लिख देते हैं, मैं क्रॉस लगा देता हूँ तो आगे आपको अंदाजा हो जाए, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर, और इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये एक्स पावर जो फोर है इसको हम यू लिखेंगे एक्स टू का टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई टू पावर टू। तो अब आपके पास ये वाला फार्मूला आपके पास होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो ये वाला फार्मूला है आपके पास ए क्यूब, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब
इस सारे का फार्मूला आपके पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये वाला देखें आपके पास ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, सिर्फ ए आपके पास यहाँ पे स्क्वेयर की फॉर्म में आएगा, यानी ये आ जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो ये आपके पास अगर हम इसको इस फार्मूला की फॉर्म में बना लें तो ये आपके पास है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपके पास आ गया ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, और इसको अगर आप करेंगे 3 2 6 ये आ जाएगा एक्स सिक्स प्लस वाई पावर 6, तो इसको भी मल्टीप्लाई करें यह आ जाएगा एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स, और यह आ जाएगा एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स, तो ये आपके पास आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 12 माइनस वाई पावर 12, और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4, तो अब हम सबसे पहले इसको इस वैल्यू को इसके साथ बनाते हैं, फिर इसका रीज़न बताऊंगा कि क्यों। 2x² - 1, और ये आ जाएगा 4x4 प्लस 2x² + 1, फिर आपके पास आ जाएगा 2x² + 1, और ये आ जाएगा 4x4 - 2x² + 1। तो अब आपके पास हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि आपके पास ये अगर हम a माइनस बी बनाएं, और ये फिर आ जाएगा a का स्क्वेयर प्लस a b प्लस बी का स्क्वेयर, फिर हम इसको भी ऐसे ही करेंगे 2x² + 1, फिर ये आ जाएगा 2x² - 2x² * 1 + 1 का स्क्वेयर। तो ये आपके पास फार्मूला हम बना रहे हैं a माइनस बी, यानी कि ये आपके पास है a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, तो ये आपके पास, और इधर यहाँ बना रहे हैं a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो अब अगर हम इसको क्लोज करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 2x² - 1। अच्छा, इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं, ये वाला फार्मूला आपके पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसी तरीके से ये भी आपके पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा 8x - 1, ये भी आ जाएगा 8x - 1, तो ये आपके पास आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर करेंगे आपके पास आ जाएगा 64, और पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं 6 2 12 एक्स पावर 12 और 1 का स्क्वेयर 1, यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आखिर में एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में अगर किसी भी क्लास 9 की किसी भी एक्सरसाइज को देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।